कम से कम तुम्हारे अब्बू को ऐसा नहीं करना चाहिए था। अम्मी तो अब्बू और क्या करते, आजिज आ चुके हैं वो। एक मर्द जब दर्द की हद से गुजरता है तो उसका दिल मलूल होता है, और वो तो खुलकर रो भी नहीं सकते। मैं समझ सकती हूँ उनकी कैफियत। अम्मी कोई राह भी तो नहीं दिख रही, और पता नहीं क्यों दुआ भी अपने हक में आने वाली मंजिल का रास्ता रोके खड़ी है, और वो जबरदस्ती अपने पैरों में अज़ियत की बेड़ियां डाले कैदियों की तरह जिंदगी बसर कर रही है। और एक बाप ये सब कैसे बर्दाश्त कर सकता है? उन्हें बहुत सब्र से काम लेना होगा। मैंने अपने तौर पर मुनज़्ज़ा से बात की है कि वो दुआ को समझाए, और मुझे यकीन है कि वो जरूर समझ जाएगी इंशाल्लाह। दुआ कुछ तो एहसास करो अपने माँ बाप का। तुम्हें अंदाजा भी है कि अगर बेटी घर आकर बैठ जाए तो माँ बाप की रातों की नींदें उड़ जाती हैं। तुम्हें क्या वाकई लगता है कि अंकल आंटी तुम्हें इस हाल में देखकर सुकून से सो सकते हैं? जो कुछ भी कर रही हूँ नज़र, सिर्फ अपनी बच्ची के लिए कर रही हूँ। यही तो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि तुम जो कुछ अपनी बच्ची के लिए कर रही हो वो गलत है। कुछ तो होश के नाखून लो दुआ। खुद पर जबर करके कोई भी फैसला नहीं करना चाहती, तो फिर तड़पना दो अपने माँ बाप को, क्योंकि तुमने तो ठान ली है। और मुझे तो लगता है कि अब मेरी बात की भी कोई अहमियत नहीं रह गई तुम्हारे लिए। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी दुआ। खाना खाकर जाओगी ना? This is Ravi. This is Ari Zeman. For more entertainment, subscribe to you.